एपिसोड सिक्स की शुरुआत में हम लोग डॉक्टर को देखते हैं जो कि अर्स को बताता है कि उसके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब ऐसा भी हो सकता है कि अर्स के फादर यानी कि रेवनम मर भी सकते हैं। यह सुनकर अर्स सोचता है कि मेरे फादर ने मुझे काफी सपोर्ट किया है पर मैंने उन्हें कभी भी रिपे नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और अब अगले सीन के अंदर हम लोगों को गवर्नर को दिखाया जाता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक असैसिन आता है जो कि अब गवर्नर को मार देता है। तभी वहाँ पर उस गवर्नर के काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उस असैसिन को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तब वह असैसिन पीछे की तरफ छलांग लगा देता है और वो सीधा खिड़की तोड़कर सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं पर गवर्नर की मौत की बात तब रेवन को पता चल जाती है। वह रोसेल से कहती है कि आप आगे क्या लगता है कि क्या होगा, जिस पर वो कहते हैं कि काफी जल्द एक काफी बड़ी वॉर होगी। तो रेवन भी कहते हैं क्योंकि अब गवर्नर जा चुका है तो वो जो उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी वो अब फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएगी और मिसियान के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट के हेड को ना चाहते हुए भी बड़े भाई कोरन या फिर छोटे भाई वास मार्गियो को ज्वाइन करना होगा जो कैनेडा डिस्ट्रिक्ट के हेड है जिनका नाम ल्यूमियर है। मेरे ख्याल से वो कोरन को ही चुनेंगे। वो देखकर लैम्बर्ग भी ऐसा ही करेगी, इस केस से वॉर हो सकती है। जिसके बाद अब रेवन रीड से कहते हैं कि लॉर्ड ल्यूमियर हमें कभी भी बुला सकते हैं तो हमारी आर्मी को तैयार रखो, मैं भी सारी तैयारियां करने के लिए जाता हूँ। रेवन अब खड़े होने वाले होते हैं लेकिन तभी उनकी काफी बुरी हालत हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में लोग देखते हैं कि लॉर्ड ल्यूमियर की तरफ से एक लेटर आया है, वो चाहते हैं कि रेवन 3 दिन के अंदर कैसल कैनरा के अंदर आ जाए मीटिंग करने के लिए। वो सुनकर कहते हैं कि मेरे फादर की तबीयत खराब है इसलिए मैं जाऊंगा उनकी जगह। अगले सीन में हम लोग लिशिया को भी देखते हैं जो कि काफी बड़ी एक परेशानी में दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद अब लॉर्ड शार्लेट और रिट्स के साथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट के हेड से मिलने के लिए आ जाते हैं और सोच रहा होता है कि ल्यूमियर कैसे पर्सन होंगे। वह कैसल के पास पहुंचते हैं जहां पर अब अर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो गार्ड को बताते हैं कि मैं अपने फादर रेवन के बिहाफ में आया हूं और लॉर्ड ल्यूमियर से मिलने के लिए आया हूं। वो इन्विटेशन देखकर वो गार्ड कहते हैं कि ये इन्विटेशन तो असली लग रहा है पर क्या तुम सही में हाउस लोवेंट की तरफ से हो? तो शार्लेट अब उसे कहती है हाँ हम लोग वहीं से हैं। शार्लेट को देखकर वो गार्ड काफी हैरान हो जाता है और उसे कहते हैं कि आप तो वही फेमस मेज हो। जिस पर शार्लेट कहती है वहीं पर अब अर्स हैरान होता है कि शार्लेट इतनी ज्यादा फेमस हो गई है। जिसके बाद अब वो गार्ड रिट्स को देखकर कहते हैं कि ये तो द रीपर ऑफ लोवेंट है। ये सुनकर अर्स सोचता है कि ये कैसा नाम हुआ। तब वो गार्ड भी मान जाता है कि ये सभी लोग हाउस लोवेंट से हैं और अब उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो लोग कैसल के अंदर आते हैं जहाँ पर उनको एक बंदा दिखाई देता है जो कि उन लोगों को वहाँ पर वेलकम करता है। अर्स उसे पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं लॉर्ड ल्यूमियर को सर्व करता हूँ और मेरा नाम मैनेस है। तो अर्स भी उसे ग्रीटिंग करता है। मैंने सब उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर की तबीयत खराब है, मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वहीं पर अब अर्स अपने अप्रेसल का यूज करके ये देखता है कि मैनेस का स्टेटस एवरेज काफी हाई है और सारी एबिलिटीज में वो काफी अच्छा है। तभी मैंने शार्लेट और रीड से कहता है कि मैंने तुम लोग के बारे में काफी कुछ सुना है, क्या तुम हम लोग को ज्वाइन करोगे, कैसल में तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी होगी। तब वो लोगों से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऑफर तो काफी अच्छा है पर हमने अपनी जान की कसम खा रखी है कि हम लोग सिर्फ हाउस लोवेंट को ही सर्व करेंगे। ये सुनकर अर्स थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि ये लोग उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं पर मैनेस कहते हैं कि ये लोग हाउस लोवेंट को नहीं छोड़ना चाहते, इसका मतलब वो जगह काफी कमाल की होगी। चलो इस बात को छोड़ो, बाकी डोमेन के लीडर वेट करें, चलो चलते हैं। जिसके बाद अब अर्स वहाँ पर मीटिंग वाले एरिया के अंदर आ जाता है। अर्स अब वहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि मैं अपने फादर की तरफ से आया हूँ। ये सुनने के बाद कोई भी उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ये सुनने के बाद अर्स अब काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अब वो जाकर सीट पर बैठ जाता है। बस सोचने लगता है कि क्या इन सभी लोगों को मुझ पर शक हो रहा है क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तभी एक अंकल अर्स से कहते हैं कि तुम रेवन के बेटे हो, काफी समय बाद मिल रहे हैं, तुमने अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छा दिया। वहीं पर अब अर्स सोचते हैं और कहते हैं कि तो क्रैल और स्लो है, कॉमियर के लॉर्ड, जब मैं छोटा था तब ये मेरे साथ काफी खेला करते थे। अर्स उनसे कहते हैं माफ कर दो, मुझे सबसे पहले आपको ग्रीट करना चाहिए था। जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम काफी बड़े हो चुके हो, ये लोग कुकी खाओ और रिलैक्स करो। ये सुनने के बाद अर्स काफी खुश हो जाता है। वहीं पर अब अर्स देखता है कि उसके साइड में जो बंदा बैठा था वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे देख रहा होता है। ये देखकर अर्स कंफ्यूज हो जाता है और अब उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड ल्यूमियर आ जाते हैं जिसे देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुकाते हैं। तब ल्यूमियर उन सभी से कहते हैं कि अपने सर को उठाओ, आप सभी लोग का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वहीं पर उन्हें देखकर अर्स सोचता है तो ये है कैनरा डिस्ट्रिक्ट के हेड। वो उनके ऊपर अपनी अप्रेजल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि इनके स्टैट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं जिसे देखकर वो कहते हैं कि तो बिल्कुल परफेक्ट फिट है एक हेडमैन बनने के लिए। इनकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा हाई है, सब कुछ ज्यादा फ्लैशी नहीं है, सब कुछ बैलेंस ही है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ल्यूमियर के अंदर जो कमियां हैं वो कमियां ल्यूमियर के रिटेनर मैनेस के अंदर नहीं है, मतलब जो ल्यूमियर के अंदर नहीं है वो मैनेस के अंदर है। और सब कहते हैं कि दोनों तो कंबाइन होकर काफी अच्छा डिसीजन लेते होंगे हर बार। ल्यूमियर अब उन लोगों से कहते हैं माफ करना इतने शॉर्ट समय में बुलाने के लिए, दरअसल मैं चाहता था कि जो मैं बताने वाला हूँ वो डायरेक्टली तुम मुझसे सुनो। गवर्नर को असैसिनेट कर दिया गया है जिसकी वजह से वॉर शुरू होने वाली है और कैनरा डिस्ट्रिक्ट एल्डरसन कोरन को सपोर्ट करेगी अगला गवर्नर बनने के लिए, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये सुनकर अर्स सोचता है कि मेरे फादर ने भी बिल्कुल यही सोचा था। ल्यूमियर सभी से कहती है कि क्या तुम सभी लोगों को कोई दिक्कत है, जिस पर सभी लोग कहते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब ल्यूमियर बताते हैं कि अफवाह चल रही है कि जो प्रोविंस ऑफ सीड्स हैं वो कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए और अपनी असॉल्ट को रिन्यू करने के लिए, प्लीज आप सभी अपनी फोर्सेस को तैयार रखो। जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक
ठीक है। लोमियर अब कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब भाई वाला बंदा अपने गार्ड से कहते हैं कि हमारी आर्मी को तैयार होने के लिए कह दो। वहीं पर अब बर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं कि मैं काफी नर्वस हो चुका था। तब यहाँ पर लोमियर आ जाते हैं जिसे देखकर अर्स कहते हैं कि माफ करना, मैंने आपके सामने बुरा बिहेव किया। जिस पर लोमियर कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे फादर के बारे में सुना, उनको अभी आराम करने की जरूरत है। जिस पर अर्स कहते हैं हाँ। लोमियर अब उनसे कहते हैं कि लैम्ब काफी छोटी डोमेन है, पर हाल फिलहाल में तुम लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी है कि छोटी सी जगह के भी लोग कितने ज्यादा कमाल के हो सकते हैं। अर्स ये काफी कमाल की बात है कि तुम अपने फादर की जगह काम कर सकते हो, वो अभी सिर्फ 11 साल की उम्र में ही। मेरी हाउस लोवेंट के लिए काफी ज्यादा हाई होप्स हैं। वो अर्स की तारीफ करते हैं जिससे सुनकर अर्स खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। लोमेर शार्लेट और रेड से भी कहते हैं कि तुम लोग भी अपना बेस्ट देना, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिसके बाद अब लोग मेरे वहाँ से चले जाते हैं। वही अब रेड कहते हैं कि अब तो हम लोग को अपना बेस्ट देना ही होगा, तो अर्स कहते हैं हाँ चलो तैयारी करते हैं। तभी अब वही वाला बंदा काफी गुस्से में अर्स के पास आता है और अर्स का नाम पुकार कर कहते हैं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं, मेरा नाम हेमोंड है। ये सुनकर अर्स घबरा जाता है और सोचता है कि इसका मतलब ये टोर बैरक्यूस्टा के लॉर्ड हैं, सिंपली बोलो तो ये लीशिया के फादर हैं। अर्स अब उनसे पूछता है कि आपको कुछ चाहिए क्या, जिस पर हेमोंड कहते हैं कि मेरी बेटी हाल फिलहाल में काफी परेशान है और ये तुम्हारी गलती है। जिस पर अर्स कहते हैं कि मैंने क्या किया, जिस पर वो उसे पूछती है कि क्या तुम लीशिया के लेटर को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तब अर्स सोचते हैं जब से मेरे फादर की और ज्यादा तबीयत खराब हुई है तब से मुझे समय नहीं मिला है लीशिया के लेटर को रिप्लाई करने का। वो ये बात अब हेमोंड को बताता है जिसे सुनकर वो उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अर्स कहते हैं माफ कर दो, जैसे मैं घर जाऊंगा उसके लिए मैं एक लेटर लिख दूंगा। तब हेमोंड उसे कहने लगते हैं कि मेरी बेटी जो कि अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी, हाल फिलहाल में उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है, वो अपनी फीलिंग्स भी दिखाने लग गई है। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारे बारे में काफी चिंता करती है। ये सुनकर अर्स से शर्मा जाता है। तो अब हेमोंड उसे कहते हैं कि लीशिया हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है, वो काफी ज्यादा ब्राइट और ओबीडियंट लड़की है, तो मैंने लीशिया को अकेले छोड़ दिया और मैं खुद बिजी हो गया अपने डोमेन को संभालने में। एक तरीके से मैंने लीशिया को अकेले ही छोड़ दिया, ये मेरी गलती है। मेरे डोमेन के अंदर ऐसे काफी सारे बुरे नोबल्स हैं जो कि एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। वहीं लीशिया लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है, तो उसे इन सब नोबल्स के बिहेवियर के बारे में पता है और लोगों की ये बुराई देखकर उसे भी कितना ज्यादा बुरा लगता होगा। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी लीशिया खुशी ढूंढे, गलती मेरी है, मैंने तुम पर गुस्सा किया, मैं एक डोमेन का लॉर्ड हूँ लेकिन मैंने अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारे फादर काफी बहादुर और ताकतवर वॉरियर है तो मुझे लगा मेरी बेटी तुम्हारे पास सेफ रहेगी, इसलिए मैंने एग्री किया तुम दोनों की शादी के लिए। वह बाव करके अर्स से कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखो। वो देखकर अर्स कहते हैं कि आपको मेरे सामने बाव करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा लीशिया को खुश रखने में। ये सुनकर हेमोंड काफी खुश जाते हैं और अब वो अर्स से कहते हैं कि यही बात तुम लीशिया को बताना कि तुम उसे खुश रखोगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। वहीं पर अब अर्स सोचता है कि मुझे लगा हेमोंड गुस्से वाले होंगे, पर वो तो लीशिया की काफी चिंता करते हैं। और अब अगले सीन में अर्स जाकर रेवन को बताता है कि लोमियर कोरिन की साइड लेने वाला है। तभी रेवन उसे काफी गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझे बिना बताए ही उस मीटिंग में चले गए। ये सुनकर अर्स और से डर जाते हैं कि उसके फादर अब उस पर और गुस्सा करेंगे, लेकिन तभी उसके फादर उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं शाबाश, मुझे लगा था कि तुम बच्चे हो लेकिन तुमने आज काफी अच्छा किया। ये सुनने के बाद अर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने फादर का शुक्रिया करता है। अगले सीन में अर्स अब आकर लीशिया के लिए एक लेटर लिखता है और उसे कहते हैं कि आप कैसी हो, माफ कर दो मैं बिजी हो गया था तो मैं आपके लेटर का रिप्लाई नहीं कर पाया, वैसे मैं कल तुम्हारे फादर से मिला था, वो काफी ज्यादा कमाल के पर्सन है और वो तुम्हारी काफी चिंता करते हैं, उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहना। वैसे अभी चीजों की सिचुएशन काफी बुरी है क्योंकि वॉर होने वाली है, मैं होप करता हूँ कि मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली एक साथ काम करके इस वॉर को चुटकियों में खत्म कर देगी। लेटर लिखने के बाद अब अर्स सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि लीशिया ठीक होगी क्योंकि मैं खुद घबराया हुआ हूँ, तो लीशिया तो और ज्यादा घबराई हुई होगी। अरे हाँ, मैंने लीशिया के फादर से प्रॉमिस किया है कि मैं लीशिया को खुश रखूंगा, इसलिए मुझे इस वॉर को जीतना होगा और लीशिया को प्रोटेक्ट करना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्स अब रिट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी बार हार रहा होता है, तो अब रिट्स अर्स से माफी मांगते हैं, जिस पर अब अर्स कहते हैं कि माफी मत मांगो, मैं बैटल में जाने वाला हूँ तो इतना तो मुझे सहन करना होगा, तो थोड़ा और तेजी से हमला करो। ये सुनकर रिट्स कहते हैं लेकिन आप पूरे दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर अर्स कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज जल्दी से ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो। अर्स वहाँ पर बाकी सभी लोगों को ट्रेनिंग करता हुआ देखता है और कहते हैं कि सब लोग ट्रेनिंग करके और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं पर मैं बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ। थोड़े समय पहले मैंने हमारी आर्मी को मॉक बैटल में लीड किया था और वो फाइट बिल्कुल फेलियर थी क्योंकि मुझे वॉर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे असली सोल्जर्स मेरे ऊपर हमला करने वाले थे मैं वहीं पर डर के मारे रुक गया। अर्स कहता है कि मुझे पता है कि बैटल फील्ड में रेड्स और शार्लेट होंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, पर अगर बैटल में मैं ही ताकतवर नहीं होऊंगा तो सभी लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, भले सभी लोग कितने भी ताकतवर और स्किल्ड हो, अगर उन लोगों का लीडर अच्छा नहीं होगा तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ रोसेल आता है और वर्स को बताता है कि प्रोविंस ऑफ सेट्स अपने फोर्सेस को कॉम्बेर में डिस्पैच कर रहा है, लॉर्ड लोमियर ने हम लोग को एक लेटर भेजा है और कहा है कि हम लोग भी बैटल फील्ड में जल्दी पहुंचे। मैं और सोचता है कि कॉम्बेर तो क्रैल की डोमेन है। तभी इट्स कहने लगता है कि अगर प्रोविंस ऑफ सेट्स मिशन को इन्वेड करेगी तो हम लोग के पास काफी कम ऑप्शन होंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, और क्योंकि सेट्स हम लोगों
उससे काफी ज्यादा करीब है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। पर अगर कॉमेर को इन्वेट किया जा रहा है तो वहाँ पर लैम्ब की सारी आर्मी को जाना होगा। ये सुनने के बाद अर्स सोचते है की फादर की हालत काफी बेकार है, वो बैटल में नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब मुझे खुद ही जाना होगा। अर्स अब काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहते हैं ठीक है, हम लोग हमारे सोल्जर्स भेजेंगे और मैं उन्हें लीड करूंगा, इसे जल्दी से सभी सोल्जर्स को मेंशन में इकट्ठा करो। वहीं पर अर्स को घबराता हुआ देख रीड्स उसे कहता है कि आपकी प्रेजेंस ही काफी है हम लोग को हिम्मत देने के लिए, बैटल के अंदर मैं होऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी पहली बैटल को विक्ट्री बनाकर होऊंगा। अगले सीन में लोग देखते हैं सभी सोल्जर्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अर्स सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को लीड करूंगा और हम लोग कैनेडा डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पर अब रेबन आ जाते हैं जो की अर्स को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अभी काफी छोटे हो, मैं अभी तुम्हें बैटल फील्ड में लीड नहीं करने दे सकता हूँ, इस बार मैं लीड करूंगा। तब अर्स कहता है कि लेकिन आपकी काफी ज्यादा बुरी हालत है, आप वॉर में कैसे जाओगे? तो रेवन कहते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को बचाते समय अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा, ये एक लॉर्ड का कर्तव्य होता है। ये सुनकर अर्स और से दुखी हो जाता है। तभी रीड्स आकर रेवन को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर रेवन उसे कहते हैं कि तुम इस मैटर से दूर रहो। ये सुनकर रीड्स चुप हो जाता है और रेवन से माफी मांगता है। तभी अर्स अपने फादर से कहते हैं कि ऐसा सच है कि मैं कमजोर हूँ, पर बैटल में रीड्स और शार्लेट मेरे साथ होंगे तो मैं बैटल को जरूर जीत कर आऊंगा। वो सुनकर रेवन कहते हैं कि ये इशू नहीं है, इशू ये है कि अभी तुम्हारा चेहरा एक वॉरियर का नहीं है। वो सुनकर अर्स कहते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है? तो रेवन अब उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम समझे नहीं कि इसका मतलब क्या है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सीधा। रेवन अब एक सोल्जर से कहते हैं कि उस बंदे को लेकर आओ जिसको हम लोगों ने डंजन में से पकड़ा था, उसको हम लोग अभी ही मारेंगे। ये सुनकर अब वो सोल्जर जाता है और अब उस क्रिमिनल को वहाँ पर ले आता है। रेवन अर्स को बताते हैं कि इस बंदे का नाम है बारा मोड़ा, इसने लोगों की मर्डर की है, चोरी करी है और भी काफी ज्यादा गलत काम किए हैं, ये एक मॉन्स्टर है, मेरी बीमारी की वजह से हम लोग इसे उस समय पर नहीं मार पाए, पर अभी हम लोग इसी समय पर इसे खत्म कर देंगे। तुम वही खड़े होकर देखते रहो, अगर तुम एक पर्सन को मरते हुए देख सकते हो वो भी अपनी आंखों के सामने बिना कंट्रोल खोए तो मैं तुम्हें एक वॉरियर मान लूंगा और मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा कि तुम इस बैटल में लीड कर सकते हो। वहीं पर अब अर्स थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को मरते हुए नहीं देखा है। वहीं पर अब उस बंदे को मारने की तैयारियां हो जाती है। वो बंदा बर्स से कहने लगता है कि मैंने खुद काफी सारे लोगों को मारा है, तुम जैसे छोटे बच्चों को तो मारने में मुझे और ज्यादा मजा आता है, बच्चों के चेहरे पर डर देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उसे सीधा मार दिया जाता है उसकी गर्दन को काट कर, और ये सब अर्स की आंखों के सामने होता है। वो देखने के बाद अर्स काफी ज्यादा डर जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, पर वो अब ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे अब उल्टी आने लगती है। उसके डैड अब उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ऐसा ही रिएक्शन देते हैं जब वो पहली बार किसी को मरते हुए देखते हैं। तब बैटलफील्ड के अंदर तुम ऐसी ही डेथ बहुत बार लगातार देखते रहोगे और वो तुम सहन नहीं कर पाओगे और अच्छे से आर्मी को कमांड नहीं दे पाओगे, इसलिए इस बार मैं जा रहा हूँ। वहीं पर अब रेवन के पीछे सभी सोल्जर्स भी जाने लगते हैं। अर्स की हालत देखकर वहाँ पर शार्लेट, रिड्स और रोसेल पहुँचते हैं। वो अर्स के पास जाने वाले होते हैं लेकिन तभी रेवन उन्हें रोकते हैं। वो उन तीनों से कहते हैं कि तुम सभी लोग मेरे साथ आओ। तो अब उन लोगों को भी रेवन की बात माननी पड़ती है और अब वो लोग अर्स को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद अब वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है। अर्स अब कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं तो वॉर में जाने के लिए सच्ची में रेडी नहीं था, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं तो सही में एक बच्चा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अर्स काफी जोर से रोने लगता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को वॉर का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर शार्लेट, रिड्स और बाकी सभी लोग मिलकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। वहीं पर अब अर्स क्या करने वाला है हम लोग को जानने के लिए अगला एपिसोड देखना होगा जो कि अगले हफ्ते आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना, जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब याद से कर देना। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।